Hey guys, what's up? So, कुछ महीनों पहले मैंने आपको 5 best shirt and 5 best pants के बारे में बताया था, but मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कौन से shirt के साथ कौन सा pant हम ducks के लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए आज मैं आपको वो 10 shirt pant outfit बताऊंगा जो हम ducks के लड़कों पर सबसे ज्यादा suit करता है, और सारे कपड़ों की purchasing link नीचे description में है। So, पहला shirt pant outfit है एक brown solid shirt और साथ में black chino और shoes में black chunky penny loafer या black चेल्से बूट, और शर्ट को टक इन करके मत पहनना क्योंकि ये ना ही फॉर्मल शर्ट है और ना ही फॉर्मल पैंट, ये एक कैजुअल शर्ट है और कैजुअल शर्ट टक इन करके अच्छी नहीं लगती है। जब भी आप फॉर्मल शर्ट या फॉर्मल पैंट पहनना तभी शर्ट को टक इन करके पहनना, और शर्ट आप सॉलिड शर्ट लेना मतलब प्लेन एक कलर वाले। और इस आउटफिट के साथ आप व्हाइट स्नीकर भी पहन सकते हो, बट इसके वजह से ये आउटफिट कैजुअल आउटफिट बन जाएगा। दूसरा आउटफिट है एक ऑलिव ग्रीन चेक शर्ट साथ में ब्लू जीन और शूज में व्हाइट स्नीकर, और ये एक टोटली कैजुअल आउटफिट है, और ये आउटफिट कॉलेज ट्यूशन वेकेशंस के लिए एकदम बेस्ट होता है। और चेक शर्ट को आप एज इट इज भी पहन सकते हो और इसे टी शर्ट के ऊपर पहनकर लेयरिंग भी कर सकते हो। और रही बात जींस की, तो जींस आप सॉलिड प्लेन भी पहन सकते हो या फिर डिस्ट्रेस जींस भी पहन सकते हो, बट एज यूजुअल हल्का डिस्ट्रेस जींस को पहनना, ज्यादा डिस्ट्रेस जींस को मत पहनना। और एक चीज ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि चेक शर्ट सिंगल स्ट्राइप वाले भी मिलते हैं, बट आप सिंगल स्ट्राइप वाले चेक शर्ट को मत लेना, आप डबल स्ट्राइप या ट्रिपल स्ट्राइप वाले चेक शर्ट को ही लेना जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, क्योंकि डबल एंड ट्रिपल स्ट्राइप वाले चेक शर्ट ही हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तीसरा आउटफिट है एक ब्लैक फॉर्मल शर्ट, एक ब्राउन फॉर्मल पैंट और शूज में ब्लैक चंकी पेनी लोफर या ब्लैक ऑक्सफोर्ड फॉर्मल शू, और ये एक टोटली फॉर्मल आउटफिट है, इसलिए शर्ट को टक इन करके पहनना और इसके साथ गलती से भी व्हाइट स्नीकर मत पहनना। और अभी के टाइम में कोरियन बैगी फॉर्मल पैंट का भी ट्रेंड चल रहा है, बट ट्रस्ट मी फॉर्मल आउटफिट फिटेड ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फॉर्मल आउटफिट में बैगी पैंट पहन, और वैसे भी कोरियन पैंट पहन के हम कोरियन नहीं दिखने वाले, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ स्लिम फिट फॉर्मल पैंट को ही पहनना। और अगर फॉर्मल शर्ट के ऊपर अगर आप ब्लेजर या सूट पहनोगे तो शर्ट के स्लीव को एकदम नीचे तक खोलकर बटन लगा कर रखना, और अगर उसे एज इट इज पहनोगे तो शर्ट को नॉर्मल टक इन करके पहनना और स्लीव्स को फोल्ड कर लेना इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, इससे आपका फोर आर्म दिखेगा और आपका आउटफिट और आप अट्रैक्टिव दिखोगे। फोर्थ आउटफिट है एक ब्लू डेनिम शर्ट, एक ब्लैक जीन और शूज में ब्लैक चेल्से बूट या व्हाइट स्नीकर। अगर आप मॉर्निंग में इस आउटफिट को करोगे तो इस आउटफिट के साथ व्हाइट स्नीकर पहनना, और अगर आप इवनिंग में इस आउटफिट को करोगे तो इस आउटफिट के साथ ब्लैक चेल्से बूट को पहनना। यह आउटफिट परफेक्ट है पार्टी में पहनने के लिए, कैफे में पहनने के लिए या कॉलेज में किसी इवेंट में पहनने के लिए, और हो सके तो ऐसा डेनिम शर्ट खरीदना जिसमें दो पॉकेट हो जैसा मैंने पहन रखा है। इससे आपके चेस्ट में थिकनेस ऐड होगी और आप एक हैंडसम हंक दिखोगे, और इस शर्ट की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और रही बात जींस की, तो जींस आप जेड ब्लैक वाले लेना मतलब डार्क ब्लैक, क्योंकि जींस फेडेड ब्लैक वाले भी मिलते हैं मतलब हल्का सफेद सफेद वाला जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, और फेडेड ब्लैक जींस दिखने में अच्छा नहीं लगता है। फेडेड ब्लैक जींस की जगह आप चारकोल ग्रे जींस को ले सकते हैं। फिफ्थ आउटफिट है ऑलिव ग्रीन सॉलिड शर्ट साथ में बेज चीनो और शूज में व्हाइट स्नीकर या ब्राउन पेनी लोफर। ये एक ओल्ड मनी आउटफिट है, और इस ओल्ड मनी आउटफिट को 110% ओल्ड मनी आउटफिट बनाने के लिए आप व्हाइट स्नीकर या ब्राउन पेनी लोफर की जगह बेज स्वेट लोफर को पहनना, बट बेज स्वेट पेनी लोफर अभी तक का मुझे ज़ारा का ही सबसे अच्छा लगा है, बट वो बहुत ही महंगी मिलती है, लगभग 2500-3000 की। अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो तो वो बहुत ही बेस्ट है ओल्ड मनी आउटफिट के लिए। बाकी अगर मुझे ऑनलाइन 1000-2000 के बीच में बेज स्वेट लोफर मिल जाए तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप व्हाइट स्नीकर या ब्राउन पेनी लोफर को भी पहन सकते हो। और इस आउटफिट में जो शर्ट पहनना या किसी भी आउटफिट में जो शर्ट पहनना, शर्ट के ऊपर के दो बटन को खोल कर रखना, क्योंकि ये मैंने पहले भी कह रखा है कि शर्ट के ऊपर के सिर्फ एक बटन को खोल कर रखना वो काफी नॉर्मल लगता है, और शर्ट के तीन बटन को खोल कर रखना वो हमें मवाली दिखाता है, बट शर्ट के दो बटन को खोल कर रखना वो एक स्वीट स्पॉट होता है जिससे हमारा हल्का चेस्ट दिखता है, जिससे हम मैस्कुलन अट्रैक्टिव दिखते हैं। बट अगर आपको मन करे किसी भी आउटफिट के साथ टाई पहनने का, तो टाई और शर्ट के बटन को एकदम गले तक लगा कर रखना। सिक्स्थ आउटफिट है एक नेवी ब्लू चेक शर्ट साथ में ब्लैक जीन और शूज में व्हाइट स्नीकर या ब्लैक चेल्से बूट। और अगर आप मॉर्निंग में इस आउटफिट को करोगे तो इस आउटफिट के साथ व्हाइट स्नीकर पहनना, और अगर आप इवनिंग में इस आउटफिट को करोगे तो इस आउटफिट के साथ चेल्से बूट को पहनना। और चेक शर्ट में क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बस एक और चीज का ध्यान रखना कि चेक शर्ट या कोई भी शर्ट पहनना तो मेक श्योर शर्ट के नीचे से जो लंबाई होनी चाहिए वो आपके पैंट के जिपर के एरिया के मिड तक होनी चाहिए। अगर शर्ट उससे लंबी हो तो शर्ट काफी बड़ी दिखती है जिससे शर्ट अगली लगता है दिखने में, और अगर शर्ट बेल्ट से ऊपर हो तो वो काफी छोटी लगती है दिखने में। इसलिए अगर शर्ट आपके बॉडी में तो परफेक्ट फिट हो रही है बट नीचे से काफी लंबी है तो उसे टेलर के पास जाकर नीचे से कटवा लेना। सेवेंथ आउटफिट है ब्राउन सॉलिड शर्ट साथ में बेज कलर का चीनो और शूज में व्हाइट स्नीकर या ब्राउन पेनी लोफर। ये भी एक ओल्ड मनी आउटफिट है, और
इसके साथ भी अगर आप स्वेट पेनी लोफर को पहनोगे बेज कलर का तो ये सबसे ज्यादा ओल्ड मनी वाइब देगा। बट पैंट पहनते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि आप कोई भी पैंट पहनना, पैंट की जो नीचे से लंबाई होनी चाहिए वो आपके पैर के एंकल बोन यानी उस गोल हड्डी तक होनी चाहिए जैसा पिक्चर में देख रहे हो, क्योंकि अगर पैंट एंकल बोन से लंबी हो तो वो दिखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता है, स्लॉपी लगता है। हाँ, अगर आप बैगी पैंट पहन रहे हो तो वो एक अलग डिस्कशन है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आप स्लिम फिट या स्ट्रेट फिट पैंट को पहन रहे हो तो मेक श्योर वो पैंट की लंबाई आपके एंकल बोन तक होनी चाहिए। बट जनरली देखा गया है कि इंडिया में थोड़ी लंबी पैंट ही मिलती है, तो सबसे बेस्ट है कि उसे टेलर के पास जाकर नीचे से कटवा ले। 8th आउटफिट है एक नेवी ब्लू सॉलिड शर्ट, साथ में ब्लैक चीनो और शूज में ब्लैक चेल्से बूट या ब्लैक चंकी पैनी लोफर। ये एक पार्टी आउटफिट है, इसलिए आप इसे सिर्फ कैफे, रेस्टोरेंट, डिनर डेट, शादी एंड रिसेप्शन में ही पहनना, और चीनो आप मिड राइज वाले पहनना, क्योंकि पैंट तीन टाइप के मिलते हैं, मिड राइज, हाई राइज एंड लो राइज वाले पैंट। और इसमें से अगर आपकी हाइट 5.5 इंच से कम है तो आप लो राइज वाले पैंट को पहनना, और अगर आपकी हाइट 5'10 से ज्यादा है तो आप हाई राइज पैंट को पहनना। बट इंडिया में एवरेज हाइट 5'6 टू 5'10 के बीच में ही रहती है, इसलिए हमारे लिए मिड राइज वाले पैंट सबसे बेस्ट होते हैं। इसलिए जब भी आप पैंट खरीदना तो पैंट खरीदते वक्त डिस्क्रिप्शन को देख लेना कि वो मिड राइज है, लो राइज है या हाई राइज है, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। 9th आउटफिट है एक ब्लैक डेनिम शर्ट, साथ में ब्लैक जीन्स और शूज में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक चेल्से बूट। इस आउटफिट के साथ ना ही व्हाइट स्नीकर उतनी अच्छी लगेगी और ना ही लोफर, क्योंकि ये एक कैजुअल आउटफिट तो है बट ये एक ऑल ब्लैक आउटफिट है यानी मोनोक्रोमेटिक लुक है, इसलिए इस आउटफिट को आप सिर्फ इवनिंग में पहनना, लाइक कैफे में, पार्टी में या फिर डेट पे। और ये एक मोनोक्रोमेटिक लुक है इसलिए आप इसके साथ बैगी जीन्स को मत पहनना। और रही बात स्किनी जीन्स की, तो उसे तो आप किसी भी आउटफिट के साथ मत पहनना, क्योंकि स्किनी पैंट लड़कों के लिए एक श्राप है, इसे पहनने से हमारे पैर एकदम लड़कियों जैसे दिखते हैं, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ स्लिम फिट जींस को ही पहनना। अब आखिर में 10th आउटफिट है एक नेवी ब्लू प्लेन शर्ट, साथ में ब्राउन फॉर्मल पैंट और शूज में ब्लैक पैनी लोफर या ब्लैक ऑक्सफोर्ड फॉर्मल शू, और शर्ट को आप टक इन करके पहनना क्योंकि ये एक फॉर्मल आउटफिट है, और शर्ट के ऊपर के दो बटन को खोलकर रखना और उसके स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके रखना। ये आउटफिट परफेक्ट है ऑफिस पार्टी, रिसेप्शन या किसी भी तरह के फॉर्मल इवेंट के लिए। और रही बात एक्सेसरीज की, तो ये आउटफिट और पहले के 9 आउटफिट के साथ आप एक नेकलेस, एक ब्रेसलेट और एक वॉच जरूर पहनना। और नेकलेस ब्रेसलेट आप सिल्वर या गोल्ड कलर का पहनना, और अगर आप सिल्वर कलर का नेकलेस एंड ब्रेसलेट पहनोगे तो वॉच भी आप सिल्वर कलर का चेन स्ट्रैप वॉच को पहनना, और अगर आप गोल्ड नेकलेस एंड ब्रेसलेट पहनोगे तो वॉच भी आप गोल्ड मेटल स्ट्रैप वाले पहनना, और चेन स्ट्रैप वॉच की जगह आप ब्लैक या ब्राउन कलर का लेदर स्ट्रैप वॉच भी पहन सकते हो। तो ये थे वो 10 शर्ट पैंट आउटफिट जो हम डक्स के लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और इन सारे कपड़ों की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हो। तो ये तो हो गए शर्ट पैंट आउटफिट, इन आउटफिट में आप एक मैच्योर एलिगेंट दिखोगे, बट अगर आप हैंडसम बैड बॉय दिखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलता हूँ आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।